बागवानी एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो हमारे घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है और बहुत ही सुंदरता जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रदान करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हम बागवानी करते हैं और हमारी बागवानी में हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, लेकिन आप बिल्कुल भी उदास ना हो। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए है, कैसे आप अपने प्लांट को खूब हेल्दी बना सकते हैं और कैसे उन पर ढेरों फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनको आप अपने घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों पर पा सकते हैं ढेर सारे फूल। तो बने रहेगा वीडियो में, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो ये देखिए कुछ मेरे गार्डन में खिले हुए फूलों की झलकियाँ, बहुत खूबसूरत। तो सबसे पहले ये फर्टिलाइज़र इतने स्ट्रॉन्ग हैं और सबसे बड़ी बात है कि फ्री में तैयार हो जाते हैं, आपको इनके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और आपका प्लांट इनसे बन जाएगा खूब हेल्दी और फूलों से भर जाएगा आपका पौधा। और सबसे आगे मैं जो है वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इन फर्टिलाइज़र्स को बनाएं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, अनियन के जो पील्स निकलते हैं, अनियन पील्स, ये सभी के घर में प्याज इस्तेमाल होता है और इसके जो छिलके हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन इसके छिलकों में बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है फर्टिलाइज़र बनता है इनके छिलकों से। तो इस तरीके से जब आपके पास प्याज के छिलके इकट्ठे हो जाएँ तो उनको आप एक कंटेनर में भर लें पानी में, पानी के साथ, और इसको रख दें आप एक दो दिन के लिए। जब आप एक दो दिन के लिए इसको रख दोगे तो इसके छिलकों का जो जूस बनता है और वो जूस जो है हमारे प्लांट के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन और कॉपर जैसे जो है पावरफुल जो है पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट के लिए, बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो इससे हमारा प्लांट खूब हेल्दी हो जाएगा और हमारे प्लांट पर खिलेंगे ढेरों फूल। तो इसको आप थोड़ा सा फ्रेंड, ये मैंने थोड़ा सा जो है आप इसे वाटर में मिला सकते हैं थोड़ा सा, जब आप 4-5 दिन बाद देखेंगे कि काफ़ी गाढ़ा घोल बन जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है ये बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा वाटर मिला के आप इसे डाइल्यूट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, जैसे आप अपने अपराजिता के प्लांट में इसको दे सकते हैं, रोज़ के प्लांट में इसको दे सकते हैं, आप इसको मतलब हर तरीके के फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। आपको बस क्या करना है, थोड़ा प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है और फिर आपको इसको आराम से जो है प्लांट के रूट में आप दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को इससे मिलेगा, आपका प्लांट घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और आपका प्लांट जो है हरा भरा हो जाएगा। तो ज़रूर से बनाएं ये अनियन पील फर्टिलाइज़र और देखें अपने प्लांट पर इस फ्री के फर्टिलाइज़र का क्या जादू आपके प्लांट पर होता है। ये मैंने अपने कृष्ण कमल में, अपराजिता में और मैंने ये बड़ी चांद सभी में, मैं सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप इसको दे सकते हैं, जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, चंपा में, सब में दे सकते हैं, गुड़हल में और रोज़ में, सब में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके दूसरे नंबर पर आता है ये पोटैटो पील्स फर्टिलाइज़र। तो इसमें आलू के छिलके आपके घर में रहते हैं तो उनको भी आप डस्टबिन में फेंक देते हो, लेकिन उनसे भी जो आप एक बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हो। और आलू के छिलकों को आपको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना, आप डायरेक्टली भी इसको मिट्टी में डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें स्प्रे के तौर पर अपने प्लांट, और इसको एक रात के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसे एक रात के लिए छोड़ेंगे तो थोड़ा सा जो है इसमें जो है जो रिएक्शंस होंगी उससे जो ये और पावरफुल बन जाएगा। और अब आपको इसमें जो है एक पावरफुल और इंग्रेडिएंट्स मिलाना है जिससे ये और अच्छा बन जाएगा। तो इसमें आपको मिलाना है ये कॉफ़ी का, आपको इसमें एक चम्मच कॉफ़ी मिला देनी है, लगभग एक गिलास जूस में। तो जब आप एक गिलास जूस में ये कॉफ़ी मिला देंगे तो ये आपका जो फर्टिलाइज़र है वो लगभग आपका 3-4 लीटर बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको हर प्लांट में अपने देना है। तो इसको भी आप अपने हर तरीके के फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, चाहे आपका गुड़हल हो, गुलाब हो, सभी में आप इसको दे सकते हैं और आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। दूसरा तीसरा जो है फ्रेंड, ये मेरा तीसरा पावरफुल फर्टिलाइज़र है और ये है चाय पत्ती का, यूज करी हुई चाय पत्ती है ये। तो यूज करी हुई चाय पत्ती को भी जो है आप घोल सकते हैं, इसको भी आप डायरेक्टली अपने प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको चाय पत्ती को, जो यूज करी हुई चाय पत्ती है उसको धुलना है पहले, आपको उसमें कहीं चीनी ना रह जाए। चीनी के कारण क्या होता है, प्लांट में जो है चींटियाँ लगनी शुरू हो जाती है और चींटियाँ लगती है तो फिर प्लांट ख़राब होने लगता है।
तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। ये भी जो है फ्रेंड नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और हमारे प्लांट को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो चाय पत्ती में जो NKP पोटेशियम फॉस्फोरस सभी की जो है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इनमें पाई जाती है, जिससे कि प्लांट बहुत बढ़िया से ग्रो होता है। तो बिल्कुल भी चाय पत्ती को ना फेंकें और ज़रूर से यूज करें अपने प्लांट में और देखें इसकी इसके कारण कितनी अच्छी ग्रोथ होती है आपके प्लांट में। तो इस तरीके से आप इसको रखें, इसको पानी में भिगो दीजिए और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दें। जब ये सोख हो जाए तो तब इसको अपने प्लांट में आराम से अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट में आप दे सकते हैं। स्पेशली रोज़ के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो आप इसे रोज़ प्लांट में दें, रोज़ में दें और आप इसको गुड़हल में दें। चौथा जो मेरा फर्टिलाइज़र है वो है स्ट्रॉन्ग एलोवेरा फर्टिलाइज़र। तो एलोवेरा को आप इस तरीके से एलोवेरा लीफ लीजिए, इसको कट कर दीजिए और इसको कट करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। एलोवेरा जो है इतना स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है फ्रेंड, इसको आप अपने कटिंग्स में डाल सकते हैं, आपकी कटिंग्स ग्रो हो जाएगी, आपका प्लांट शॉक में चला जाता है रिपोर्टिंग के बाद, आप उसमें डालिए, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और आप इसके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। आप इसको अपने प्लांट के रूट में डालिए, जिससे आपके प्लांट में रूट बाउंड नहीं होती है और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो इस तरीके से आप इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप एक पेस्टिसाइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो आप ज़रूर से देख लीजिए एलोवेरा के क्या क्या बहुत सारे उपयोग एलोवेरा के होते हैं। तो आपके प्लांट पर जो है इसके इतने फ़ायदे हैं, एलोवेरा में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और जो है हमारे प्लांट की जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी तरीके के पोषक तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, हमारे प्लांट को किसी फंगस से बचाने के लिए। और प्लांट का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है तो प्लांट पर ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छा जो है प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाएं और अपने प्लांट को जो है डायरेक्ट इसमें थोड़ा सा जो है इसे डाइल्यूट कर लें और अपने प्लांट में, इस सभी तरीके के प्लांट में आप दे सकते हैं, हिबिस्कस में, रोज में, मोगरा में, सभी तरीके के प्लांट में आप इसको दें। और आपके प्लांट में जो है बेसल सूट निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है ये, तो बिल्कुल ना बनाना भूलें इस फर्टिलाइज़र को और बहुत ही फ्री में, बहुत ही ईजीली आपके घर में बन जाता है। और नेक्स्ट है मट्ठा, और मट्ठा 2-3 दिन पुराना हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और मट्ठे में भी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सभी जो है ये पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारा प्लांट मुरझाने लगता है, तो मट्ठा इस सब की कमी को दूर करता है। तो ज़रूर से लें, मट्ठा में डालें एक ये स्पेशल चीज़, और ये है हल्दी। हल्दी जो है 1/2 चम्मच अगर आप मट्ठा में डालते हैं तो मट्ठा इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाता है कि वो जो है हमारे प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, साथ में जो है एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है और एक पेस्टिसाइड। तो बस आज के लिए इतना ही, होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है फ्रेंड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहूं। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय।